नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज है 6 जुलाई और आज की जो पांच बड़ी वैकेंसी है उसके बारे में इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की पांच बड़ी भर्ती के बारे में आपको पूरा डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों, ये जो वैकेंसी आया है, वैकेंसी आपका ऑल ओवर इंडिया से आया है, यानी कि अगर आप किसी भी राज्य से हो, महिला पुरुष दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, ITI डिग्री या फिर डिप्लोमा की है तो आप इस फॉर्म के अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे कुछ वैकेंसी ऐसा है जहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, सीधा आपके मेरिट के बेसिस पे भर्ती होगा। और कुछ वैकेंसी ऐसा है दोस्तों जहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आज की पांच बड़ी वैकेंसी के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पर हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली के डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए डेली के डेली बेसिस पे ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड अपडेट लेके आता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लीजिए। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, हम आपको लेकर चलते हैं वेबसाइट पे, वहाँ पर आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ आज की पांच बड़ी वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का जो पहला वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से आया है। यहाँ पे प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, TGT, थर्ड लैंग्वेज, म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, पेड टीचर मेल, पेड टीचर फीमेल एंड लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2200 है, जहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका 1116 का होगा और स्पेशल रिक्रूटमेंट 584 का होगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट की, यहाँ पे स्टार्टिंग डेट फॉर ऑनलाइन अप्लाई 2 जुलाई से शुरू हो गया, लास्ट डेट यहाँ पे 22 जुलाई को रखा गया है। लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट यहाँ पे 22 जुलाई को रखा गया है। स्पेशल रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लाई 9 जुलाई से शुरू हो जाएगा, लास्ट डेट 29 जुलाई को रखा गया है। लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट 29 जुलाई को रखा गया है। पे स्केल आपका हो जाएगा प्रिंसिपल के लिए 78,800 रुपये से लेकर 2,09,200 रुपये, PGT के लिए 37,600 से लेकर 1,51,100 रुपये, TGT म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, पेड टीचर, पेड फीमेल टीचर, लाइब्रेरियन के लिए 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री इन BEd रखा गया है। एज लिमिट 35, 40 और 50 साल रखा गया है एज पर पोस्ट के हिसाब से। यहाँ पे एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें, फॉर जनरल OBC EWS कैंडिडेट प्रिंसिपल के लिए 2000 रुपये, फॉर जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए PGT के लिए 1800 रुपये, फॉर जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए TGT एंड अदर के लिए 1500 रुपये। फॉर SC ST PWS कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या तो फिर नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस जो है दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा और पर्सनल इंटरेक्शन होगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन है, जॉब डिस्क्रिप्शन हो जाएगा ऑल इंडिया में। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से आया है। यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर अटेंडेंट MPW पोस्ट के लिए वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 420 है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 20 जुलाई को रखा गया है। मेडिकल ऑफिसर के लिए 60,000, अटेंडेंट के लिए 20,000, MPW के लिए 18,000 रुपये आपका सैलरी हो जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS, अटेंडेंट के लिए BSc नर्सिंग GNM रखा गया है। MPW के लिए तो 12वीं पास रखा गया है। मैक्सिमम एज लिमिट 38 साल, 43 साल, 70 साल रखा गया है एज पर पोस्ट के हिसाब से। एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें, फॉर ओपन कैटेगरी के लिए 300 रुपये, फॉर रिजर्व कैटेगरी 200 रुपये रखा गया है। आपको पेमेंट करना पड़ेगा थ्रू बैंक ऑफ महाराष्ट्र के थ्रू। सिलेक्शन आपका टेस्ट और इंटरव्यू थ्रू होगा, अप्लाई मोड ऑफलाइन है। जॉब लोकेशन आपको हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों, तमिलनाडु सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन की तरफ से आया है। यहाँ पे रिकॉर्ड क्लर्क, असिस्टेंट, सिक्योरिटी एंड वॉचमैन पोस्ट के लिए वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 650 है। रिकॉर्ड क्लर्क के लिए 152 है, असिस्टेंट के लिए 147 है, सिक्योरिटी एंड वॉचमैन के लिए 351 पोस्ट है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 17 जुलाई को रखा गया है। पे स्केल के लिए आप ऑफिशियल नोटिस चेक कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड क्लर्क के लिए BSc साइंस रखा गया है। असिस्टेंट के लिए 12वीं पास, सिक्योरिटी एंड वॉचमैन के लिए 8वीं पास रखा गया है। फॉर अदर कैंडिडेट के लिए 32 साल रखा गया है मैक्सिमम एज लिमिट। फॉर MBC, BC एंड BC मेल कैंडिडेट के लिए 34 साल। फॉर SC ST, SCA कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 37 साल रखा गया है। यहाँ पे एप्लीकेशन फी के लिए आप ऑफिशियल नोटिस चेक कर सकते हो। सिलेक्शन आपका टेस्ट और इंटरव्यू थ्रू होगा, अप्लाई मोड ऑफलाइन है। जॉब लोकेशन आपको हो जाएगा तमिलनाडु में। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे वडोदरा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से आया है। रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जनरल सर्जन और भी काफ़ी सारा पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 102 है। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लाई 1 जुलाई से शुरू हो गया, लास्ट 10 जुलाई को रखा गया है।
पे स्केल के लिए आप ऑफिशियल नोटिस चेक कर सकते हो। एडुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं डिग्री और डिप्लोमा रखा गया है। मिनिमम एज 18 साल रखा गया है। ऑफिशियल एप्लीकेशन फी के लिए आप ऑफिशियल नोटिस चेक कर सकते हो। सिलेक्शन आपका टेस्ट और इंटरव्यू के थ्रू होगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन है, जॉब आपको हो जाएगा गुजरात में। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे आपका यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आया है। यहाँ पे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पोस्ट के लिए वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4163 है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 3539, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पे 624 पोस्ट है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे दोस्तों 10 जुलाई को कर दिया गया है। लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट 13 जुलाई को और लास्ट डेट फॉर फाइनल सबमिशन यहाँ पे 16 जुलाई को रखा गया है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 44,900 लेकर 1,42,700 रुपये लेवल 7 के हिसाब से आपका सैलरी हो जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 7,600 लेकर 1,51,100 रुपये लेवल 8 के हिसाब से। यहाँ पे एडुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट बीएड और एलटी और बीटी डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रखा गया है। मिनिमम एज 21 साल रखा गया है। एप्लीकेशन फी अगर हम बात करें, जनरल ओबीसी के लिए 750 रुपये, फॉर ईडब्ल्यूएस एससी के लिए 450 रुपये, फॉर एसटी के लिए 250 रुपये रखा गया है। यहाँ पे फॉर पीजीटी पोस्ट के लिए यहाँ पे जनरल ओबीसी के लिए 750 रुपये, ईडब्ल्यूएस के लिए 650 रुपये, फॉर एससी के लिए 450 रुपये और एसटी के लिए 250 रुपये रखा गया है। पेमेंट आपको करना पड़ेगा थ्रू नेट बैंकिंग डेबिट क्रेडिट कार्ड और चालान के थ्रू। सिलेक्शन आपका रिटर्न टेस्ट के थ्रू होगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन है। जॉब सिलेक्शन आपको हो जाएगा यूपी में। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आज की 5 बड़ी वैकेंसी के बारे में। फिर भी अगर आपको मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन रहता है किसी वैकेंसी को लेकर तो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट पे जरूर रिप्लाई करूँगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही पल पल के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।